लत भी सारी चिली पी बेचारी दी सौंदी पई हुई नाजरीन, ये एक हॉर्स है, ये कहीं यानी के डेरे से बाहर निकली है, बाहर जाकर ये कहीं गिर गई है। और ये जो सुबह होता है जो पानी नहर वाला जो होता है वहाँ पे ये गिरी है, और इसकी जो कमर है वो नीचे को होगी और जो टांगे चारे ऊपर को होगी। ये बड़ी कोशिश करती रही है अपने आप को सीधा करने की, लेकिन ये पता नहीं 6 घंटे से ये अपनी कोशिश कर रही है या 12 घंटे से कर रही है। वो भी किसी दोस्त ने देखा तो मलिक साहब को बताया कि आपका जो हॉर्स है वो गिरा हुआ है और अपनी चारों टांगों से साइकिलिंग कर रहा है। तो फिर इन्होंने अपने मुलाजमों को भेजा मलिक साहब ने, तो जाकर ये घोड़े को हॉर्स को सीधा किया, सीधा करके ये अपने डेरे पर लेकर आए। तो मैं फोन किया तो हमने जब देखा अगर तो इतनी ज़्यादा टांगों पे जख्म आए हुए थे, तो जख्मों की वजह से मक्खियों के बैठने की वजह से मिगेट्स के असरात नज़र आ रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा यानी कि रगड़ों की वजह से इन्फेक्शन जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पायोजेनिक बैक्टीरिया का दाखिला नज़र आ रहा था, और पीप और पस की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि स्ट्रेस में आई हुई थी, और गुफ्त और मुदाफ़त भी इसकी बहुत ज़्यादा मुझे कमज़ोर लग रही थी। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने के साथ जख्मों को वाश किया, जख्मों को वाश करने के बाद हमने वुंड ग्राइल के साथ इनको लेप कर दिया, और बाद में हमने इंट्रामिनस के तौर पर हमने नोवासोल की ड्रिप दी 285 ml की, और इंजेक्टिबल तौर पर हमने सोलोमिन के इंजेक्शन 10 ml दिया, और दर्द के लिए फिनाइल बुटाडोन 20 ml आईवी दिया, और एंटीबायोटिक के लिए हमने ट्राइपरसन का इंजेक्शन जो है वो 20 ml आईवी दिया। और तो ये सब करने के बाद ये हॉर्स को काफ़ी ज़्यादा यानी कि रिलीफ मिल चुका था, काफ़ी ज़्यादा इसकी दर्द को सुकून मिल चुका था। तो हमने ये सिलसिलाकार इंशाल्लाह ताला 3 से 5 दिन तक करेंगे, और एक ही खुराक में हमने इतनी ज़्यादा यानी कि बेहतरी का आसार हासिल कर लिया है कि हमें यकीनन तौर पर 2 दिन के अंदर अंदर मज़ीद इसकी और तंदुरुस्ती की सेहतयाबी की उम्मीद नज़र आ रही है। और हम इसी तरीके के मुताबिक हम इसको यानी कि ज़ख्मों के ऊपर एंटीसेप्टिक और यानी कि एंटीबायोटिक वगैरह के इंजेक्शन और गुफ्त मुदाफ़त और स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम नोवासोल या नोवाकोका आगे यूज़ करेंगे। कल हम नोवाकोका यूज़ करेंगे या फिर नोवासोल का यूज़ कर लेंगे, देख लेंगे सूरत कौन सी मेडिसिन हमें इंतखाब में आई, तो वो हम इंशाल्लाह ताला इसको यूज़ करेंगे।